गाड़वा पंचायती राज होने वाली नई सरकार के उद्देश्य रखा गया है, जहां पर पंचायत और गांव में भलीभूति विकास हो सकेगा। जबकि सच्चाई तो ये है कि पंचायती राज का 10 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी गांव में सड़क नहीं बन पाई है, जहां ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर मौत की तरह यहां पर आपको बता चले सफर तय करते हैं। कड़ी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत चटिलिया पंचायत में एक ऐसा ही गांव जहां पर आज भी रास्ते वंचित है। ग्रामीण विकास कल्पना के साथ ही भी कर रहे क्या करे आपको बता चले वक्त, गांव तो एक ऐसा शोचनीय प्रश्न पहेली बन गया है कि जहां पर आपको बता चले कि छोटिया चिटनिया नामक डैम बांध बनाकर यहाँ पर उसके पास ही एक सुवादर नामक गाँव है, जो आजादी के साथ दशक व्यतीत होने के बावजूद भी पश्चात आज भी रास्ता को लेकर माहौल है। जानकारी के अनुसार हमें पता लगा है कि 100 से 150 घर हैं ऐसे, जहां पर तकरीबन 500-600 लोग निवासी करते हैं। लोगों को शिक्षा के साथ पूर्ण रूप से वंचित किया गया है, क्योंकि मुख्य समस्या के रूप में यहां पर केवल सड़क का नाम शब्द ही सामने आकर खड़ा हो गया है और कोई रास्ता नहीं है। इस पंचायत के मुखिया कौन है? रामजी मुखिया। यहाँ पर पुल निर्माण जरूरी था? कितने घरों का बस्ती है सुगवादामा? 300-400 लोग वहाँ पर निवास करते हैं। घर ऐसे 200 से बेसी है, जनता भी ज्यादा है। क्या नाम हुआ आपका? सुनू रजवार। तो मुखिया के द्वारा यहाँ पर कोई विकास वगैरह कुछ भी नहीं है? 100 घर का बस्ती है सुगवादा मर। कितने घर का बस्ती है? 100 घर। वहाँ जाने का सिर्फ यही रास्ता है? यही रास्ता। मुखिया द्वारा कुछ नहीं किया? मुखिया के द्वारा कोई विकास वगैरह नहीं हो रहा है? कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पुल निर्माण जरूरी था? जरूरी है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ ना। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार यादव। घर छटनी। तो रास्ता केवल जाने के लिए यही है कि और कोई रास्ता है? रास्ता यही है, एक और है तो टर्निंग है, घूर कर वहाँ से जाना होता है। बढ़िया मोड़। बढ़िया से? बढ़िया मोड़ से जाना होता है। क्या नाम हुआ आपका? कामेश्वर किशोर राजवंश। घर? चौबे मझगावा। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को